नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू एमईजी 05 यानी कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी के ब्लॉक 6 से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एलन शो वॉल्टर, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डरनेस। ये एक फेमिनिस्ट एसे है जिसे लिखा है एलन शो वॉल्टर ने। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलन शो वॉल्टर की फेमिनिस्ट थ्योरी क्या है, फेमिनिज्म के रिगार्डिंग उनके व्यूज़ क्या हैं। तो एलन शो वॉल्टर का ये जो एसे है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डरनेस, इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा एलन शो वॉल्टर का लाइफ स्केच डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो एलन शो वॉल्टर जो है वो एक फेमस अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक, फेमिनिस्ट एंड राइटर हैं जो कि सोशल एंड कल्चरल इश्यूज से कंसर्न रखती हैं एंड सोशल इवेंट्स पर लिखती हैं। एंड एलन जो है वो यूनाइटेड स्टेट एकेडमिया में फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म के फाउंडर में से एक मानी जाती हैं, जिन्होंने गाइनो क्रिटिक्स यानी कि अ फीमेल फ्रेमवर्क फॉर द एनालिसिस ऑफ वुमेन लिटरेचर, मतलब कि गाइनो क्रिटिक्स जो है एक फीमेल फ्रेमवर्क है जिसमें जो है वुमेन लिटरेचर्स की वुमेन ही एनालिसिस करते हैं। तो इन्होंने जो है गाइनो क्रिटिक्स टर्म दी थी, एंड ये जो गाइनो क्रिटिक टर्म है ये डिस्क्राइब करती है एज राइटर्स वुमेन की स्टडी को। एंड एलन का जन्म हुआ था 21 जनवरी 1941 में यूएस में, एंड ये जो है अपने गाइनो क्रिटिसिज्म ये जो इन्होंने टर्म दी थी इसके लिए बेसिकली जानी जाती हैं। तो ये गाइनो क्रिटिसिज्म बेसिकली क्या है तो इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो इसको मैं आपको बाद में बताती हूँ। ओके, देन शी इज़ अ कमेंटेटर ऑन BBC रेडियो एंड टेलीविजन, एंड शी इज़ अ रेसिपियंट ऑफ द ट्रूमन कैपोट अवार्ड फॉर लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यानी कि ये BBC रेडियो एंड टेलीविजन की कमेंटेटर भी रही हैं और रेसिपियंट भी रही हैं एक अवार्ड की जो कि है ट्रूमन कैपोट अवार्ड, जो कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए दिया जाता है। एंड एलन जो है वो विक्टोरियन लिटरेचर की स्पेशलिस्ट भी रही हैं। एंड इन 2007 शो वॉल्टर वाज चेयर ऑफ द जजेस फॉर द प्रेस्टिजियस ब्रिटिश लिटरेरी अवार्ड द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, मतलब कि 2007 में शो वॉल्टर जो है वो जज रही हैं एक ब्रिटिश लिटरेरी अवार्ड की जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस माना जाता है, एंड वो अवार्ड है द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, उसकी जज रही हैं ये 2007 में। तो नेक्स्ट जान लेते हैं एलन शो वॉल्टर के बेस्ट वर्क्स जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं। तो फर्स्ट है टुवर्ड्स ऑफ फेमिनिस्ट पोएटिक्स जो कि 1779 में पब्लिश हुआ था। सेकंड है द फीमेल मेलेडी वुमेन मैडनेस एंड इंग्लिश कल्चर, ये 1830 से 1880 के बीच में जो है पब्लिश हुआ है। लास्ट है हिस्टोरीज हिस्टोरिकल एपिडेमिक्स एंड मॉडर्न इंडिया जो कि 1997 में पब्लिश हुआ था। ओके, तो यही था एलन शो वॉल्टर का छोटा सा लाइफ स्केच। तो अब हम डिस्कस करेंगे इनका फेमिनिस्ट एसे फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डरनेस को डिटेल में। शो वॉल्टर से पहले वर्जीनिया वुल्फ, सिमोन डी ब्यूवर और मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जैसी बहुत सी फेमिनिस्ट राइटर्स आईं जिन्होंने ऑलरेडी लिटरेचर में फीमेल इमेज को काफ़ी ज़्यादा इवेल्युएट किया, उनको जो है एक तरह से रिप्रेजेंट किया एंड फीमेल इमेजेस के रिव्यूज़ को जो है लोगों में जो है स्प्रेड करना शुरू कर दिया था। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे वर्क्स लिखे थे जो कि फीमेल के ऊपर थे। एलन शो वॉल्टर जो है थोड़ा लेट आई हैं, उससे पहले वर्जीनिया वुल्फ, सिमोन डी ब्यूवर और मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने जो है अपने वर्क्स दे दिए हैं फेमिनिज्म की रिगार्डिंग। ओके, तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डरनेस, ये जो एलन शो वॉल्टर का जो फेमिनिस्ट एसे है ये पब्लिश किया गया था 1981 में क्रिटिकल इंक्वायरी में। एंड हाँ, यहाँ पर मैंने गलती से विंडरनेस लिख दिया है, आप इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पर वाइल्डरनेस होगा। शी सब डिवाइडेड हर एसे इंटू 6 सब डिविजन्स एंड ईच सब डिविजन हैज सब टाइटल्स ऑल्सो, मतलब कि इन्होंने अपने एसे को जो है 6 सब डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है एंड इन सब डिविजन्स के जो है सब टाइटल्स भी दिए गए हैं। एंड इन दी 6 सब डिविजन्स ही डिस्कस्ड एट लेंथ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन राइटिंग, मतलब कि इन्होंने अपने इन 6 डिविजन्स में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है वुमेन राइटिंग के वेरियस एस्पेक्ट्स को। तो वो 6 सब डिविजन्स कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले है प्लूरलिज्म एंड द फेमिनिस्ट क्रिटिक, सेकंड है डिफाइनिंग द फेमिनाइन गाइनो क्रिटिक्स एंड द वुमेन्स टेक्स्ट, थर्ड है वुमेन्स राइटिंग एंड वुमेन्स बॉडी, फोर्थ है वुमेन्स राइटिंग एंड वुमेन्स लैंग्वेज, फिफ्थ है वुमेन्स राइटिंग एंड वुमेन्स साइक एंड सिक्स्थ है वुमेन्स राइटिंग एंड वुमेन्स कल्चर। तो ये इनके 6 डिविजन्स हैं, इनको आप याद रखना, इनके ऐसे के ये 6 सब पार्ट्स हैं मतलब एक तरह से। ओके, देन शो वॉल्टर स्टार्ट्स हर एसे विद द पोएम ऑफ लुईस बोगन वुमेन विच ओपन विद द लाइन वुमेन हैव नो वाइल्डरनेस इन देम, दे आर प्रोविडेंट इंस्टेड कंटेंट इन द टाइट हॉट सेल ऑफ देयर हर्ट्स टू ईट डस्टी ब्रेड, मतलब कि ये जो शो वॉल्टर हैं इन्होंने अपने इस एसे की जो शुरुआत है वो लुईस बोगन की पोएम जिसका टाइटल है वुमेन उसकी लाइन से की है, एंड इन्हीं लाइन्स के ऊपर इन्होंने अपने इस एसे का जो है
टाइटल भी रखा है. एंड इन मतलब कि आप देख सकते हो कि इस पोएम की जो स्टार्टिंग लाइन है वुमेन हैव नो वाइल्डनेस, इसी से सजेस्टेड है इनके इस एसे का टाइटल भी, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डनेस. एंड लुईस बोगन की इस पोएम से ही इन्होंने अपने इस एसे की शुरुआत की है. तो हो सके तो आप इन लाइन्स को याद कर लेना, अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, बिकॉज ये यूनिक चीज़ है. एंड अकॉर्डिंग टू हर फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म मस्ट फाइंड आउट इट्स ओन सब्जेक्ट, इट्स ओन सिस्टम एंड इट्स ओन वॉइस. मतलब कि ये जो एलन शोवाल्टर हैं ये कह रही हैं कि जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म होता है उसका जो है एक अपना सब्जेक्ट होना चाहिए, अपना सिस्टम होना चाहिए, अपनी वॉइस होनी चाहिए, उसमें मेल डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए, मेल वॉइस नहीं होनी चाहिए, मतलब कि मेल की राइटिंग्स को इमिटेट ना करें. मीन्स की जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है एंड जो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स हैं उनके ऊपर कोई भी मेल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. ओके, तो जिसकी मैंने आपको पीछे बताया कि जो एलन शोवाल्टर हैं उन्होंने एक टर्म दी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके इस एसे में, वो है गाइनोक्रिटिक्स. तो इस टर्म को हम डिटेल में जानेंगे कि इसका मतलब क्या है. तो ये जो गाइनोक्रिटिक्स है इसको डिज़ाइन किया गया है एज सेकेंड फेज ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, मतलब कि फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के सेकेंड फेज जो है इसको माना गया है. तो ये जो गाइनोक्रिटिसिज्म है इसका मतलब होता है फीमेल राइटिंग को फीमेल राइटर्स द्वारा ही एनालाइज करके उसका क्रिटिसिज्म करना. तो उसे जो क्रिटिसिज्म कहते हैं. मींस कि एलन का मानना था कि वुमेन के वर्क्स को वुमेन ही एनालाइज करे, उनको क्रिटिसाइज करे, मतलब कि वुमेन के लिटरेचर्स की हिस्ट्री, उनकी थीम्स, उनके जॉनरा, उनके स्ट्रक्चर, मतलब कि हर बेसिस पर वुमेन ही जज करे एक वुमेन के वर्क्स को. तो उस बात को फोकस करता है गाइनोक्रिटिक्स. तो एलन शोवाल्टर ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है, तो देख लेते हैं वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं. तो सबसे पहले है वुमेन एज रिटर फेमिनिस्ट क्रिटिक्स, सेकेंड है वुमेन एज राइटर गाइनोक्रिटिक्स, एंड थर्ड है द प्रॉब्लम ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिक, एंड फोर्थ है प्रोग्राम ऑफ गाइनोक्रिटिक्स, एंड फिफ्थ है फीमेल फेमिनिस्ट एंड फीमेल स्टेजेस. तो हम बारी बारी से इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि इन टॉपिक्स के अंदर जो है एक्चुअली एलन शोवाल्टर ने क्या व्यूज एक्सप्रेस किए हैं. तो सबसे पहले है वुमेन एज रीडर फेमिनिस्ट क्रिटिक. तो इसमें जो है एलन शोवाल्टर ने कहा कि फेमिनिज्म को दो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है. एंड फर्स्ट टाइप का कंसर्न है वुमेन एज रीडर के साथ कि वुमेन जो है वो लिटरेचर की रीडर होंगी. इस कॉन्सेप्ट में वुमेन को एज अ कंज्यूमर, मतलब कि एज अ उपभोक्ता कंसिडर किया गया है जो कि मेल राइटर्स द्वारा प्रोड्यूस्ड लिटरेचर को पढ़े, मतलब कि वुमेन उन लिटरेचर्स को पढ़े जिन्हें मेल राइटर्स द्वारा मस्कुलिन परसेप्शन से लिखा गया होता है. एंड ऐसे लिटरेचर्स जिन्हें मेल राइटर्स द्वारा लिखा गया होता है उन्हें एलन शोवाल्टर जो है वो मेल प्रोड्यूस्ड लिटरेचर का नाम देती हैं. एलन जो है वो आर्ग्यू करती हैं कि जब एक फीमेल मेल लिटरेचर को पढ़ती है तो वो हमारे उस टेक्स्ट के लिए जो भी आइडियाज हैं उनको चेंज कर सकती है. बिकॉज एक वुमेन जिसने बहुत सारा सफर किया है, डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, सोशल इविल्स को झेला है, वो मेल लिटरेचर को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेगी जो कि नॉर्मल इंसान नहीं पड़ेगा. एंड इस टाइप के लिटरेचर्स की एनालिसिस को एलन ने जो है फेमिनिस्ट क्रिटिक का नाम दिया है. मतलब कि जब फीमेल जो है वो मेल राइटर्स के लिटरेचर्स को पढ़ेगी, उनको एनालाइज करेगी, तो उसे जो है ये फेमिनिस्ट क्रिटिक का नाम देती हैं. एंड इसमें जो महिला है वो हिस्टोरिकल ग्राउंडेड इंक्वायरी करती है, मतलब कि हिस्ट्री तक वो जो है इंक्वायरी करेगी. एंड फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का ये मेन सब्जेक्ट होता है मेल लिटरेचर में. वुमेन रिगार्डिंग आइडियाज, वुमेन के बारे में जो भी मिसकंसेप्शंस हैं उन्हें जो है जांचना, मतलब कि मेल ने जो भी फीमेल के बारे में गलत चीज़ें बोली हैं जो कि सच नहीं है उनको जांचती हैं जो हमारी फेमिनिस्ट क्रिटिक होती हैं. एंड फेमिनिस्ट क्रिटिक जो है मींस वो वुमेन जो मेल लिटरेचर को एनालाइज करती हैं वो मेल कंस्ट्रक्टेड लिटरेरी हिस्ट्री को भी देखती हैं. तो आगे एलेट ने मेल वर्क्स का एक एग्जांपल दिया है दैट क्लियोपेट्रा द क्वीन ऑफ इजिप्ट को उस दौरान जूलियस सीजर के साथ शेक्सपियर द्वारा डिफरेंटली ट्रीट किया गया था. इवन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी उन्हें डिफरेंटली ट्रीट किया. बर्नार्ड ने क्लियोपेट्रा को जूलियस सीजर की अडॉप्टेड डॉटर का रोल दिया, वेयर एज जो शेक्सपियर हैं उन्होंने क्लियोपेट्रा को सीजर की रखेल माना. तो मतलब कि हम देख ही सकते हैं द क्वीन ऑफ इजिप्ट जो कि क्लियोपेट्रा है उनकी इमेज को दोनों ही राइटर ने एक अलग अलग तरीके से पोर्ट्रे किया है जो कि गलत है. एंड जो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स हैं वो इस तरह के फेमस वर्क्स एंड कल्चर्स जो फिल्म्स होती हैं उनके
साथ काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रखती हैं, जिनमें फीमेल इमेजेस को, फीमेल पिक्चर्स को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है और फीमेल मैनिपुलेशन की जाती है, मतलब मैनिपुलेट करके फीमेल को पोर्ट्रे किया जाता है, ऐसे वर्क्स को जो है जो हमारी फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं वो एनालाइज करते हैं, उनसे ये कंसर्न रखती हैं। एंड जो फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं उन्हें ये चीज़ भी बुरी लगती थी कि कई बार जो लेडीज़ हैं वो खुद कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी के लिए डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स करती हैं, जिसमें वो डिफरेंट पोजेस देकर अपने बॉडी पार्ट्स का एग्जीबिशन करती हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है कि मतलब प्रोडक्ट की पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए फीमेल जो अपने बॉडी पार्ट्स को एक्सपोज करती हैं, शो करवाती हैं एड्स में, वो जो है बहुत ही गलत बात है। तो अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है वुमेन एज राइटर, जिसे जो है गायनोक्रिटिक्स कहते हैं। ओके, तो एलन के अकॉर्डिंग फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का जो सेकेंड टाइप है वो कंसर्न रखता है वुमेन एज राइटर के साथ। एंड इसमें फर्स्ट टाइप की जैसे वुमेन जो हैं वो लिटरेचर कंज्यूमर्स नहीं हैं, बल्कि लिटरेचर एंड टेक्स्ट की प्रोड्यूसर हैं, मींस कि वुमेन राइटर होती हैं। मतलब कि जैसे हमने पिछले टाइप में देखा, जो वुमेन होती हैं वो रीडर होती हैं, यानी कि वो कंज्यूमर होती हैं लिटरेचर्स की, लेकिन इस टाइप में वुमेन जो हैं वो प्रोड्यूसर हैं, जो खुद लिखती हैं एंड मतलब कि वो राइटर हैं। तो एंड इसमें वुमेन वर्क्स के जो थीम्स हैं, जॉनरा हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनको देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है। इसमें वुमेन राइटिंग्स को एनालाइज भी वुमेन ही करती हैं, तभी जैसे ये टर्म है गायनोक्रिटिक्स में मैंने आपको पहले भी डिफाइन की थी कि जब वुमेन के वर्क को वुमेन ही एनालाइज करती है तो उसे जो गायनोक्रिटिक्स कहते हैं। तो वही इस पॉइंट का हेडिंग भी है। तो जो वुमेन एज राइटर हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करती हैं। तो सबसे पहले है द साइको डायनामिक्स ऑफ द फीमेल क्रिएटिविटी, सेकेंड है लिंग्विस्टिक्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ फीमेल लैंग्वेज, थर्ड है द कलेक्टिव फीमेल लिटरेरी करियर, फोर्थ है लिटरेरी हिस्ट्री, एंड फिफ्थ है स्टडीज ऑफ पर्टिकुलर फीमेल राइटर एंड फीमेल वर्क्स। मतलब कि जो वुमेन के मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं वो रहते हैं जो लिंग्विस्टिक्स एंड फीमेल लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको ठीक करना, एंड जितने भी फीमेल राइटर्स हैं उनका कलेक्टिव फीमेल लिटरेरी करियर बनना और लिटरेरी हिस्ट्री को स्टडी करना और किसी पर्टिकुलर जो फीमेल राइटर हैं उनको स्टडी करना और उनके वर्क्स को एनालाइज करना। तो ये जो ब्रांच है जिसका नाम गायनोक्रिटिक्स डाला है हमारी राइटर एलेन ने, तो इंग्लिश में इस ब्रांच के लिए कोई भी पर्टिकुलर टर्म नहीं है, तो इस ब्रांच को फिर एलेन ने खुद ही नाम दिया है, जो कि एक फ्रेंच टर्म है गायनोक्रिटिक, और इसे बाद में इन्होंने मॉडिफाई करके जो है गायनोक्रिटिक्स कर दिया। एंड गायनोक्रिटिक्स से जो टर्म है ये एलेन की सेल्फ कंटेन्ड एंड एक्सपेरिमेंटल टर्म है। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है द प्रॉब्लम्स ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिक। ओके, तो फेमिनिस्ट क्रिटिक जो है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेल ओरिएंटेड सोसाइटी में एंड मेल ओरिएंटेड लिटरेचर में फीमेल राइटर्स के वर्क्स को जगह देना। मतलब कि जो फीमेल राइटर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं मेल डोमिनेशन उनके ऊपर भी होती थी, तो वो उतना ज़्यादा फ्रीली जो है खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी और उनकी जो राइटिंग्स होती थी वो कहीं ना कहीं उसमें मेल लिटरेचर्स को कॉपी करती थी, कि मतलब मेल डोमिनेशन उनकी राइटिंग में भी देखा जा सकता था। एंड जो मेल हैं वो जो भी वर्क्स लिखते थे वो वुमेन पर, जितने वर्क्स लिखते थे उनमें वो वुमेन को लिमिटेड रोल देते थे एंड उन्हें जो है सेक्सिज्म एंड स्टीरियोटाइप पोर्ट्रे किया जाता था। एंड मेल की किसी भी राइटिंग को अगर पढ़ेंगे तो उसमें वुमेन की रियल एक्सपीरियंसेस को नहीं बताया जाता है, वुमेन की रियल फीलिंग्स को नहीं बताया जाता है। मींस कि मेल राइटिंग से हम वुमेन के रियल एक्सपीरियंस, रियल फीलिंग्स को एनालाइज नहीं कर सकते हैं, हमें वुमेन की वही इमेज पता चलती है जिस नज़रिए से मेल जो है वो फीमेल को देखता है। मींस कि जो रीडर्स होते हैं वो फीमेल को उसी नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं जिस नज़रिए से राइटर ने फीमेल को उस पर्टिकुलर राइटिंग में पोर्ट्रे किया होता है। एंड फीमेल राइटर्स को चाहिए कि वो अपनी राइटिंग्स के थ्रू फीमेल की रियल एक्सपीरियंसेस, उनके रियल फीलिंग्स को, उनके रियल जो भी उनका उत्पीड़न हुआ है उसको अच्छे से रियलिस्टिक वे में बताए। ओके, देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्राम ऑफ गायनोक्रिटिक्स। तो गायनोक्रिटिक्स का ये जो प्रोग्राम था ये एलन शो वॉल्टर ने ही दिया था एंड इनका मोटिव था फीमेल फ्रेमवर्क को कंस्ट्रक्ट करना वुमेन द्वारा लिखे लिटरेचर्स को एनालाइज करने के लिए। एंड इस प्रोग्राम का एक मोटिव ये था कि वुमेन एक्सपीरियंसेस को स्टडी किया जा सके, उनको एनालाइज किया जा सके, उनकी राइटिंग्स के थ्रू वुमेन के जो रियल एक्सपीरियंसेस हैं उनको समझा जा सके। एंड ये जो प्रोग्राम था ये मेल आइडिया एंड मेल मॉडल्स एंड मेल थ्योरीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है एंड ये फीमेल सेंटर्ड मॉडल है। एंड एलन शो वॉल्टर जो है वो चाहती हैं कि ये जो पैट्रियार्कल सोसाइटी में वुमेन को डोमिनेट किया जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, बहुत ही गलत है एंड मेल ट्रेडिशन की लाइंस में वुमेन को हमेशा
फिट करने की कोशिशें की जाती हैं सोसाइटी के द्वारा, जिसे बंद कर देना चाहिए। एंड जो एलन है वो होप करती हैं, आशा करती हैं एक ऐसे विजिबल वर्ल्ड की जिसमें फीमेल कल्चर होगा, फीमेल डोमिनेशन नहीं, मतलब कि जैसे मेल कल्चर है मेल डोमिनेशन है, ये एम रखती हैं कि कभी ऐसा भी वर्ल्ड होगा जहाँ पर फीमेल कल्चर होगा, कोई डोमिनेशन नहीं होगी, फीमेल को कोई डोमिनेट नहीं करेगा, कोई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है फीमेल फेमिनिस्ट एंड फीमेल स्टेजेस। तो एलन शो वॉल्टर जो है उन्होंने इंग्लिश वुमेन राइटर्स पर काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस की, एंड शो वॉल्टर ने वुमेन के लिटरेचर की हिस्ट्री को ट्रेस करने के लिए वुमेन हिस्ट्री को तीन फेजेस में, तीन स्टेजेस में डिवाइड किया। तो फर्स्ट स्टेज है फेमिनिन जो कि 1840 से 1880 तक चली, सेकेंड है फेमिनिस्ट जो कि 1880 से 1920 तक चली, एंड थर्ड स्टेज है फीमेल जो कि 1920 से ऑनवर्ड चली। ओके, तो हम बारी बारी से इन तीनों फेजेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारी फर्स्ट स्टेज जो कि है फेमिनिन जो 1840 से 1880 तक चली। तो इस फेज में वुमेन जो है वो मैन के जितना इंटेलेक्चुअल अचीव करने के एफर्ट्स में राइटिंग लिखा करती थी, एंड ये ट्रेंड जो है वो 1840 में इंग्लैंड में शुरू हुआ। ये नेशनल कैरेक्टरिस्टिक बन गया इंग्लिश वुमेन राइटर्स का। बट इस फेज में फेमिनिन आर्ट के फेमिनिस्ट कंटेंट में टिपिकली ऑब्लिक होता था, मतलब कि थोड़ी सी रुकावटें होती थी, बिकॉज फीमेल राइटर्स कहीं ना कहीं इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस करती थी, बिकॉज उस टाइम पे मेल डोमिनेशन सोसाइटी होती थी, क्योंकि मेल राइटिंग्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती थी, मेल राइटिंग्स की ज़्यादा इजीली जो है पब्लिकेशन भी होती थी, फीमेल को हालांकि स्ट्रगल करना पड़ता था अपने वर्क को पब्लिश करवाने के लिए भी। तो अब हमारी जो सेकेंड फेज है वो है फेमिनिस्ट जो कि 1880 से 1920 तक चली। इस फेज में वुमेन राइटिंग्स में मेल के स्टैंडर्ड, उनकी वैल्यूज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शो किया जाता था, एंड वुमेन राइटर्स जो है वो वुमेन राइट्स एंड उनकी वैल्यूज एंड उनके जो डिग्निटी है उसकी डिमांड करती थी। एंड हमारा लास्ट फेज है फीमेल जो कि 1920 से ऑनवर्ड चला। तो जान लेते हैं इसके बारे में भी। तो इस फेज में जो फीमेल राइटर्स थी उन्होंने मेल राइटिंग को इमिटेट करना जो है रिजेक्ट किया, एंड प्रोटेस्ट करना जो है शुरू किया, एंड फेमिनिस्ट एनालिसिस की गई कल्चर, आर्ट, लिटरेचर की फॉर्म्स एंड टेक्निक्स पर जो है फोकस किया गया, एंड वुमेन ने इंडिपेंडेंट एटीट्यूड जो है शो करना शुरू किया। उन्होंने आर्ट एंड लिटरेचर में अपना प्लेस यानी कि फीमेल प्लेस रियलाइज किया। एंड इस फेज को रिप्रेजेंट करने वाली कुछ फेमिनिस्ट राइटर्स हैं डॉर्थी रिचर्डसन एंड वर्जीनिया वुल्फ। ओके, तो यही था एलन के ऐसे फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डरनेस के बारे में। एंड यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला है कि मैंने गलती से गलत लिखा है, इसको आप ठीक कर देना, यहाँ पे वाइल्डरनेस है, विंटरनेस नहीं है, तो प्लीज़ इसको करेक्ट करना। ओके, तो यही था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।